मंच पर उपस्थित सभा के अध्यक्ष, संदीप यूनिवर्सिटी के चांसलर रुजू बाबूजी, बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ध्रुव कुमार, चीफ गेस्ट बिहार सरकार के मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी, आईबीएम मुंबई से आए हुए मिस्टर हरी रामा सुब्रमण्यम एंड मिस्टर उदय शंकर जी, सभा में उपस्थित भूमि अर्जन कमेटी के संयोजक हमारे मार्गदर्शक प्रसाद सिंह जी, हमारे मार्गदर्शक श्री विशुनदेव चौधरी जी और भूमि अर्जन कमेटी के अन्य सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मीडिया, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सबों को संदीप यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सेमिनार में स्वागत करते हैं। यहां पे द टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन स्टूडेंट्स एंड द अदर टीचर्स। मैं दोनों को एक कुछ संदेश देना चाहूंगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये मैं पिछले बार भी बोला था, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। अगर किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को नष्ट करना हो, बर्बाद करना हो, तो आपको किसी मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी एटम बॉम्ब की जरूरत पड़ती है। आप वहां के एजुकेशन स्टैंडर्ड को कम कर दो, एग्जाम्स में कॉपिंग अर्थात नकल करना शुरू करवा दो। इससे जो डॉक्टर बनेंगे पेशेंट्स को वैसे ही मार देंगे, जो इंजीनियर बनेंगे उनके द्वारा बनाए रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, जो एडवोकेट्स एंड जजेस होंगे अन्याय करना शुरू कर देंगे, जस्टिस नहीं मिलेगा। धर्म गुरु जो बनेंगे ऐसे सिस्टम से, आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाएंगे और भिड़ाएंगे, तो सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको एटम बॉम्ब या मिसाइल की जरूरत नहीं है, आप वहां की एजुकेशन सिस्टम को आप कम कर दो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एंड आई समटाइम आई फील वेरी मच सॉरी टू से दैट आवर स्टेट हैज गॉट डूबियस रेपुटेशन रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ थिंग, टॉपर घोटाला, टॉपर कांड, ऐसे पहले होता था कुछ और घोटाला, अब टॉपर कांड होने लगा है। तो आप लोगों, आई वुड हैव टू कॉल अपॉन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स नॉट टू इंडर्स इनटू एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस एंड यू शुड ट्राई टू इंप्रूव द अटेंडेंस इन द क्लासरूम। मैं टीचर्स लोगों से बोलना चाहूंगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से 8-10 साल पहले, अभी आप पता चल जाएगा जो टेक्नोलॉजी का क्या वैल्यू होता है। आज से 8-10 साल पहले हर गांव में, हर नाके और चौराहे पे पीसीओ हुआ करता था। आज की तारीख में आपको पीसीओ नहीं दिखेगा, वो पीसीओ बन गया क्या, हर के हाथ में मोबाइल फोन आ गया है। पीसीओ बिकेम मोबाइल रिचार्जिंग शॉप्स। अब रिचार्जिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अभी आप ऑनलाइन रिचार्जिंग करवा लो। अभी 1998 के टाइम में एक कंपनी हुआ करती थी, आप सबों को मालूम होगा, कोडैक कैमरा बनाती थी। 95% ऑफ मार्केट शेयर कोडैक के पास था और उनके पास 1,70,000 एम्प्लॉइज थे। और 2017 में आप देखेंगे डिजिटल फोटोग्राफी के आने के वजह से कोडैक डॉट बैंक्रप्ट और उनके 1,70,000 एम्प्लॉइज उनके रोड पे आ गए। तो टेक्नोलॉजी का ये वैल्यू है। कोडैक की कोई गलती नहीं थी, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा था, गलती सिर्फ एक बात थी, जो दे वर नॉट टेक्नो सेवी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने अपने परिवर्तन नहीं किया। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्टली बाय वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सबों को मैं विश्व के चौथे औद्योगिक क्रांति में स्वागत कर रहा हूं। द फोर्थ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इज कमिंग अप वेरी सून।
आप देखेंगे कुछ कंपनी थी आज पिछले दशक में, जैसे आप बजाज स्कूटर ले लीजिए, नोकिया ले लो, आपने पहले आप लोग बोलते नोकिया एक दो मोबाइल ही बोलते नोकिया दे दो एक, या आप एम्बेसडर गाड़ी देख लीजिए, मर्फी रेडियो बहुत पॉपुलर था, मर्फी रेडियो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन आज की तारीख में ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। रीजन, उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। मैं आप टीचर्स लोगों से आई वुड टू अर्ज यू टीचर्स प्रेजेंट ओवर हियर, यू शुड ऑल्सो कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। वर्कली एक है, उनके पास में एक भी गाड़ी नहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है बाय वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। आईबीएम की एक कंपनी है, वाटसन कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, आई डोंट नो, बताना चाहूंगा जितने भी आपको लीगल प्रॉब्लम है आपको ऑनलाइन बता देगा। और मैं आपको कहता हूं आज से 9-10 साल के बाद 90% एडवोकेट बेरोजगार हो जाएंगे अगर वो अपनी अपने को चेंज नहीं करेंगे, और जो 10% बचेंगे वो हाईली सुपर स्पेशलिस्ट लॉयर्स बचेंगे। टेक्नोलॉजी का ये वैल्यू है। एयरबीएनबी एक कंपनी है, होटल की सबसे बड़ी कंपनी है, जबकि उनके पास में एक ही होटल नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी बाय 2018 हम लोगों को ड्राइवरलेस कार देखने को मिलेगा, यह भी प्रोफेशन बहुत जल्दी जाने वाला है। ड्राइवर हम डिस्कस नहीं करना चाहते, अगर ड्राइवरलेस कार अगर आएगी एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा, बता दूं फिर भी अपने बिजनेस में हमेशा चेंज कर जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज अ चेंज। यू शुड कीप ऑन चेंजिंग एंड यू शुड कीप ऑन एक्सीडेंट। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, हम आपको कहना चाहेंगे संदीप यूनिवर्सिटी हमारे यहां से बहुत छात्र बाहर, यहां पे मिथिला से बिहार से दो टाइप के लोगों का माइग्रेशन होता है, या तो यहां से माइग्रेट करते हैं, कहते हैं पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बाबूजी लोग बोलते थे हम लोग के यहां से मिथिला से जो आदमी गंगा क्रॉस कर लेता था उसको समाज से निष्कासित कर देते थे, लेकिन आज की तारीख में 90% लोग यूथ माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे शहरों में। और माइग्रेशन का दो मूल कारण है, एक जॉब और दूसरा है एजुकेशन, हायर एजुकेशन। यहां पे क्वालिटी हायर एजुकेशन नहीं था, तो माइग्रेशन को चेक करने के लिए एंड टू एनकरेज द रिवर्स माइग्रेशन हम लोगों ने मिलकर वी स्टार्टेड दिस कैंपस इन सिजोल। इसका एक ही कारण था, अगर पैसे कमा लेते अगर ढेर आता था तो हम भी पटना में, भागलपुर में या मधुबनी सिटी में ये कैंपस खोलते थे, अपने गांव में, अपने पैतृक गांव में कैंपस खोलने का एक ही मकसद था, जो यहां के जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें सुविधा से आसानी से उनको हायर एजुकेशन अवेलेबल हो जाए, उनको हॉस्टल का खर्चा न देना पड़े। और इसी सब के वजह से गवर्नमेंट ऑफ बिहार दे कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। अभी आप लोगों को पता होगा राइट ऑफ वे कंडक्टिंग पॉलिटेक्निक बीएड एंड जीएलएड, वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईटीआई प्रोग्राम्स, और हम आपको बता दें वी आर गोइंग टू लॉन्च बीटेक प्रोग्राम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, एमसीए एंड एमबीए प्रोग्राम। आप लोगों को बता दें प्लेसमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज टाई अप, वी ऑलवेज कोलैबोरेट विद द नॉलेज पार्टनर्स, इंडस्ट्री के जो लीडर्स रहते हैं, फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड फॉर बीसीए एंड एमबीए वी हैव टाइड अप विद द मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज द आईबीएम।
और उनके ही पदाधिकारी आपके सामने में आए हैं। हम लोग का कोलैबोरेशन हो चुका है और इन्होंने आश्वासन दिया है